शादी हुई है 10-12 दिन के अंदर अंदर, मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा हूँ, लैट्रिन का बुआ खुला हुआ है। सारा कुछ समेट के ले गई है? सारा कुछ समेट के ले गई है। उसमें 1.5 लाख रुपया था, गाड़ी के कागज थे, कपड़े वगैरह थे। पहली रात ही फरार हो गई है? पहली रात 3:30 का टाइम था। जिस दिन साढ़े यहाँ आया ना, इतने एक कोई लड़का आया हसन ना, तो मैंने कहना जरा मुंडे घर लिया जो घर दिखाओ, यानी जल्दी जल्दी शादी। हाँ जी, कितने दिनों में शादी हुई? 8-10 दिन में। आज वलीमा था, आज सारी तैयारी थी? आप भाई साहब गोशत के पैसे दिए हुए, सब चीज के दिए थे, सब गर्क हो गया। इज्जत नहीं लाभती सानू, असि महल मुंह महान जो कहीं सोया दे दो जी। बिल्कुल, इस वक्त हम एक शादी वाले घर में मौजूद हैं। इस घर में आज दावत वलीमा थी, लेकिन इस मिसहैप हुआ ये है कि जिस लड़की को ब्याह के लाया गया वो ही रात को जो है वो जैसे ही यहाँ पे पहुंची, उसके बाद अलग सुबह सारा कुछ घर का समेटने के बाद जो है वो फरार हो गई। वो दुल्हा भी हमारे साथ है जिनके साथ ये मिसहैप हुआ है, नौसरबाजी कह सकते हैं या कोई ऐसी जालसाजी हुई है। बाकायदा जो है वो निकाह हुआ, बाकायदा रस्में तय हुई, आप फुटेज में देख रहे होंगे कि बाकायदा उसका निकाह हो रहा है, और बाकायदा जो है वो यहाँ से एक इलाका है कंगनी वाला, वहाँ पर ये रस्म हुई। उसके बाद उस लड़की को ब्याह कर यहाँ पे लाया गया। ब्याह के लाने के बाद जो है वो यहाँ पर जैसे ही आई है रात को जो है वो लड़की सारा कुछ यहाँ से समेट कर फरार हो गई, और दूल्हे को दूध का गिलास पिलाया, और उसके बाद दूल्हा मियाँ जो थे वो शायद बेहोश हो गए। आइए उनसे बात करते हैं। भाई बड़ा अफसोस हुआ ये वाक्या सुनकर, क्या हुआ है आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम सारे बहनों भाइयों को। जब मेरी आंख खुली है। अच्छा, आपकी शादी कहाँ पे हुई, सारी बात बतानी, कितने दिन में हुई? शादी हुई है 10-12 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, 10-12 दिन के अंदर हुई है, इतवार का दिन 3 तारीख। अच्छा, रात को होटल का नाम भाइयों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा फिर इधर आए हैं, बस घर के बारे में समझाया, समझोया अपन में जो इज्जत करनी है, ये है वो है, ऐसे बातें करके बस ठीक है। बाद में रोने लगे कि मेरी माँ से दिल उधरा हुआ है। मैं माँ से तो दिल उधरा है, सुबह इंशाल्लाह वलीमा होएगा तो मिल जाएगा। बाद में फिर सो गई है, बाद में फिर हम उठे हैं, फिर आपको नींद नहीं आ रही, मेरे को नींद नहीं आ रही थी अचानक, फिर दूध पिया, फिर मेरी कोई आँख लगी है, लगी इतनी है कि 2 या 3 मिनट आँख चमकने की देर हुई है, तो जो सामान पड़ा हुआ था वो बोल रही थी कि मैं ये इसको यस कर देती हूँ, मसलन सेटिंग कर देती हूँ। मैंने बोला सुबह आएंगे वो कर देंगे, तो इतना नहीं काम कर रहा, सुबह हर काम हो जाएगा ठीक है। इतनी देर में ये दरवाज़ा थोड़ा सा आधा खुला हुआ है, आधा बंद कर दिया है। मैंने बोला शायद मेरे को, उसने बोला कि तैयार तो होने वाली, मैंने शायद नमाज पढ़नी है, मसल्ला भी पड़ा हुआ है अंदर, चलो नमाज पढ़ लें, फिर नहाना धोने का मसला है तो चलो। वो मैं इधर लेट गया हूँ, ऊपर ये कंबल लिया, कंबल ले आई तो मैं, जब मैंने देखा कि आवाज़ नहीं आ रही, मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा हूँ, लैट्रिन का बुआ खुला हुआ है, सामने देखा तो कुंडी खुला हुआ है, बाहर से लगा हुआ है। फिर मैं भाई को फौरन कॉल कर दी। अच्छा, बस वो चली गई है, सारा कुछ समेट के ले गई यहाँ से? सारा कुछ समेट के ले गई है। क्या क्या था उसमें, पैसे थे? उसमें 1.5 लाख रुपया था, गाड़ी के कागज़ थे, कपड़े वगैरह थे जो शादी में पहने हुए थे उधर से, वो चप्पल वगैरह जो भी थी वो ले गई। अच्छा, जेवरात, ऐसी जेवरात कोई चीज़ नहीं थी, ये है कपड़े थे, कंबल वगैरह, ये ऐसी चादर। आपकी रिश्तेदार नहीं थी वो? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं थी। अच्छा, ये भाइयों ने करवाया, इनको पता है या रिश्तेदार थे या कौन थी, इन्होंने करवाया। तो वो चली गई है? हाँ जी। आपको आपको चकमा दे कर चली गई है? चकमा जारी बात है, चकमा दे गया, चली गई है ना, भाग गई। भाग गई। आपका सारा कुछ लूटने के बाद यहाँ से फरार हो गई? फरार हो गई है। फरार हो गई जी, पहली रात ही फरार हो गई है वो? पहली रात 3:30 का टाइम था, फरार हो गई। फरार हो गई। अच्छा अंकल जी, मुझे बताएं थोड़ा सा कि ये कौन थी, कैसे थी, थोड़ा सा बताएंगे? भाई ये असी किसी आदमी ने कहा कि साडा रिश्ता है भाई का कराड़ा, उन्हें को इस बीबी ने राबता किया, इस बीबी ने सानू उत्थे भी कड़ाया जिथे भी आया, साढ़े वाल भी आई है। जिस दिन साढ़े वाल आया ना, इतने एक ही लड़का आया हसन ना, तो मैंने कहना जरा मुंडे वाले घर लिया जो घर तो दिखाओ। अच्छा, फिर वही कि पहले दिन मैं गया वहाँ, तो 2000 रुपया मैं दिता कुड़ी नू, मैंने कहा नहीं असं कल आवेंगे, माई माई ने कहा नहीं अभी देख दिया उसको प्यार, असी ओदे दे दिता 2-3 हज़ार। आपके ख्याल से जिसने रिश्ता तय करवाया ये सारी उसको पता था? उसको पता तो था, यानी देखो साढ़े को तक ऐसी काम आने नहीं करना, ये करो यानी जल्दी जल्दी शादी। हाँ जी, कितने दिनों में शादी हुई?
8 10 दिन में कि ओदी अम्मी बीमार है ओदा कोई पता नहीं केड़े ले मर जाना है ते तुसी ना उन्हें क्या माड़े ने ते इंजे मैं है असी ना सन कुड़ी दा नाप दियो उन्हें कहा चलो तुसी नाप की करना तुसी ना 30,000 रुपया दे दियो ए आपी जूती कपड़ा ले लेण गए ओ मैं इस तरह कोई दुकान को मुंडा मेरे नाले को कोई खाड़ फाड़ फुड़ के मेरा पिया 25,000 दिता है। अच्छा चलो कोई दिन लगे असं दोवें जी गए हैं वेखण तो सानू कपड़े नवे नहीं नज़र आए फिर भी असं आख्या कोनी गल माड़े ने तो कल और निकाह के टाइम उन्हें आया सवेरे सू फोन तो फोन करिए सन मुंडा फोन करे कभी फोन छेती और छेती कभी माई करे रिश्ता कराने वाली तो फिर उन्हें आख्या सू मेकअप के पैसे कर लो मैं आख्या अभी कितों करिए आखन लगी चल कोनी जिते इन्ने पे लगे 5,000 ने तेन की होन दिया वो 5 उत्थे दिता 65,000 रात फिर कट्ठा दिता उस माई नहीं फड़ाया उन्होंने। आज वलीमा था आज सारी तैयारी थी आपकी भाई साहब गोश्त के पैसे दिए सारी चीज के दिए थे सब गर्क हो गया इज्जत चली गई है इज्जत चली गई। अच्छा आपके ख्याल से इस तरह के ग्रोह या इस तरह के जो लोग हैं उनके साथ क्या होना चाहिए भाई होना तो चाहिए इतनी ज्यादती पैसे भी छोड़ो माल में भी छोड़ो इज्जत इज्जत नहीं लगती सानू असं महल मूँह महान जोगे नहीं सोया दिता भाई जी मेरी बड़ी इज्जत है ना उसने कोई समझ नहीं आने दी। अच्छा। उसने मुझे कोई समझ नहीं आने दी जे इधर आ जो देख जो प्यार दे जो दिन पा जो कपड़ों के पैसे दे जो ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਫੌਰਨ ਫੌਰਨ ਹੋ ਆਈ ਬਸ ਫੌਰਨ ਫੌਰਨ ਆਇਆ ਅਭੀ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਆਪਨੇ ਪੂਰਾ ਬਤਾਨਾ ਕਿ ਬਸ 15 ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲਾਣ ਹੈ ਢੀਂਗ ਹੈ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੱਡੀ ਲਾਲਚ ਆਏਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਗਏ ਹਾਂ 25,000 ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਅਤੇ 65,000 ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ 15 ਪੇ ਕਾਲ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਾਲ ਕੀ ਬਤਾਏ ਨਾ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜਾ ਟੱਕੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਨੇ ਇਨਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੌਸਰ ਬਾਜ਼ੋਂ ਕਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਤੀ ਹੈ ਦੁਲਹਨ ਔਰ ਉਸੀ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਠਾ ਕਰ कहीं कहीं से जेवरात कहीं से नकदी ले जाती है। मैं थोड़ी सी दुल्हे से आप दुल्हा थे मुझे ये बताएं कि क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। पैसा मिल जाता है हर चीज़ मिल जाती है लेकिन जिसका माँ बाप नहीं है कि साया नहीं है ये लोग मजबूरी से फायदा उठाते हैं। अच्छा अभी अभी क्या होना चाहिए उनके खिलाफ? अभी ये होना चाहिए कि हमारा गरीब आदमी है हम वैसे भी मैं यतीम हूँ मेरा जो पैसा मुझे वापस कर दे मैं इधर किराए पर बैठा हूँ 9,000 रुपया मकान का किराया देता हूँ माड़ा चंगा काम है काम अभी शुरू करने लगा था चप्पल का दुकान डाली थी वो जल्दी में रिश्ता सुनने का ये बात है ये आपकी सब वारदात हो गई वारदात हो गई है। अच्छा अभी मुझे सिर्फ एक बात बताएं अब हौसला रखे थोड़ा सा परेशान नहीं होना मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि ये ऐसे ग्रोह के खिलाफ क्या होना चाहिए उनके खिलाफ कानूनी मुझे ये थोड़ा बताएं। कानून के मुताबिक यही है कि उनके साथ करें कुछ कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना ये लेकिन मैं ही नहीं हूँ और भी माओं के लाल लूटे जाते हैं अकेला मैं ही नहीं हूँ और भी कोई लूटा जाएगा कोई मर सकता है कोई दुश्मनीदारी हो सकती है 100 मसला मसाल हो जाए लेकिन मेरी आज तक किसी के साथ दुश्मनी नहीं है मैंने तो उसको ये दुल्हा है इनका आज वलीमा था इनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है दुल्हन जो है वो नौसरबाजी से चकमा देकर सारा कुछ इकट्ठा करके ले गई है इनका सिर्फ एक ही अपील है कि फुल फौर उन्हें उस लड़की को गिरफ्तार किया जाए उनके घर वालों को गिरफ्तार किया जाए ताकि किसी और को वो ना इस तरह की वारदात का निशाना बना सके। इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि फिल फौर
मुकदमा दर्ज करके उस लड़की और उसके घर वालों को गिरफ्तार किया जाए।